बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन-ए-किराम। वो खबर आ गई जिसका तमाम पाकिस्तानियों को बेसब्री से इंतजार था। यकीनन ये खबर सुनकर तमाम पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो जाएगा और तमाम पाकिस्तानी अवाम का दिल खुशी से जगमगा उठेगा। जबकि दूसरी जानब दुश्मन के लिए ये खबर किसी अजियतनाक मौत से कम नहीं, क्योंकि दुश्मन अभी चीन से मिलने वाले गहरे जख्म से अच्छी तरह से संभल भी नहीं पाया था कि पाकिस्तान ने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में बड़ी तब्दीली करके दुश्मन के जख्मों पर नई चोट मार दी है, जिससे न सिर्फ दुश्मन का जख्म पहले से गहरा हो गया है बल्कि ताजा चोट से दुश्मन तिलमिला उठा है। और यूं पाकिस्तानियों ने एक तीर से कई शिकार करते हुए जलती पर तेल और दुश्मन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम बाखूबी सरंजाम दिया है। दरअसल ये खबर पाकिस्तान की शान और दुश्मन मुल्क के लिए मौत का सामान बनने वाले जंगी तैयारे पाकिस्तान के शाहकार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में है। दोस्तों, यहाँ पर भारतीयों के लिए परेशानी की बात ये है कि ये खबर सिर्फ पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में नहीं बल्कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बारे में भी है। शायद यही वजह है कि दुश्मन पर खौफ और कपकपी तारी हो चुकी है। एक और खबर ये भी है कि भारत ने हमेशा की तरह इस बार भी मकराना चालों से रंग में भंग डालने की कोशिश की थी ताकि पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में कोई बड़ी तब्दीली ना की जा सके। पाक फिजाइया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है, इस तब्दीली से आकर तैयारी की ताकत और कारकर्दगी कैसे बढ़ेगी, क्या वाकई ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में होने वाली तब्दीलियों से JF-17 थंडर तैयारा पहले से 2 गुना ताकतवर बन जाएगा या फिर नहीं, इससे कबल के मैं आप लोगों को ऊपर किए गए तमाम सवालात के हकाइक पर अपनी जवाब दूं और ये बताऊं कि दुश्मन की जानब से कौन कौन सी नई चालें चली गई और दुश्मन की नापाक चालों को पाक फिदाइया ने कैसे नाकाम बनाया। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हकाइक पर अपनी तमाम तर मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन इकराम, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताने से पहले दुश्मन की जानब से चलाई जाने वाली इस नाकाम चाल के बारे में आप दोस्तों को आगाह करना जरूरी समझता हूँ, जिसे पाक फिजाइया ने अपनी पेशावराना सलाहियतों की मदद से न सिर्फ खाक में मिला दिया बल्कि भारत को पूरी दुनिया में रुसवा भी कर दिया है। दर हकीकत भारत ये समझता था कि रूस भारत को दिफाई साजो सामान मुहैया करने वाला एक बेहतरीन दोस्त मुल्क है, जिसे भारत जब चाहेगा कुछ भी बात कहकर मनवा लेगा। यही वजह है कि भारत ने रूस को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर होने वाली बड़ी तब्दीली को रोकने के लिए कई मर्तबा कहा। दोस्तों, रूस ने भारत की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारत को जोर का झटका तब लगा जब रूस ने यह ऐलान जारी किया कि पाक फिजाइया की जानब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में की जाने वाली तब्दीलियों को पूरा करने के लिए रूस पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। यहां पर कुछ भारतीयों के लिए अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि दुश्मन की एक न चली और दुश्मन को यहां पर भी मुंह की खाना पड़ी। यहां पर भी पाकिस्तान ने दुश्मन की चाल को नाकाम बनाते हुए भारत को एक दफा फिर दुनिया में रुसवा कर दिया। मौजूद दोस्तों, दरअसल सच ये है कि दुश्मन के लिए मौत का सबब बनने वाला और दुश्मन को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाने वाला JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान के अलावा रूस की भी मरहूने मिन्नत है, क्योंकि JF-17 थंडर त्यारों में इस्तेमाल होने वाले पावर प्लांट यानी के त्यारे के लिए इंजन रूसी साख्ता इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे रूस के अंदर तैयार किया जाता है। मुमकिन है कि अगर रूस ये टर्बोफैन इंजन ना फ्राहम करता तो शायद JF-17 थंडर चीन शोरत की बुलंदियों को छू रहा है यहाँ पर मौजूद ना होता। मगर आज की खबर आपके लिए इंतहाई खुशी और दुश्मन के लिए परेशानी का बाइस है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को शोरत की नई बुलंदियों को छूने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया गया है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि रूस ने JF-17 थंडर त्यारे में इस्तेमाल होने वाले इंजन में बड़ी और नई तब्दीली की तस्दीक कर दी है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे में नया इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां रूस के अंदर मुकम्मल हो चुकी हैं। और यूं बार बार मोदी सरकार के एहतजाज करने के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को RD-93MA टर्बोफैन इंजन की फरामी शुरू कर दी है। इन इंजन को JF-17 थंडर में नष्ट करने के बाद JF-17 थंडर जंगी तैयारी की कारकर्दगी और ताकत में बेपना इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस की जानब से इंजन में की जाने वाली मुमकिन तब्दीलियों के बाद
JF-17 थंडर त्यारे न सिर्फ पहले से तेज और दुश्मन पर हमलावर हो सकेंगे बल्कि पहले से ज्यादा असला और एटमी मिसाइल ले जाने के काबिल भी हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान भारत पर हमला करके उसे नेस्तोनाबूद कर देगा। यही वजह है कि ये खबर आते ही पूरे भारतीय मीडिया पर सन्नाटा छा गया है। नाज़रीन इकराम, इस खबर की सच्चाई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज रूसी कंपनी ने ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे के लिए नया इंजन तैयार किया जा चुका है, जिसे थर्मल प्रेशर चैम्बर में टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया गया है। वाज़ह रहे कि सरकारी इंजन कारपोरेशन रूस में फौजी सिविलियन और खलाई इस्तेमाल के अलावा रूसी आमदोरफ्त के लिए तमाम जहाजों की तरक्की और इनकी तैयारी को कंट्रोल करती है। इस कारपोरेशन के मुताबिक सेंट पीटर्स में वाकया यूएसए का कैमियो प्लांट RD-93M में इंजन को टेस्ट कर रहा है, जिसने RD-93M में इंजन को अपग्रेड किया है। यहाँ पर काबिले गौर बात यह है कि RD-93 इंजन पाकिस्तान की जानब से तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर जंगी तैयारों में पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज यूएसए यानी के यूनाइटेड इंजन कारपोरेशन ने अपनी वेबसाइट पर यह प्रेस रिलीज की है कि वो पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में RD-93M में इंजन का अपग्रेडेड वर्जन इस्तेमाल करेगा, जिसकी तमाम रिपोर्ट पहले ही मास्को भेज दी गई है, ताकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स इस नए और जदीद इंजन को थर्मल प्रेशर चैम्बर में बाकायदा तौर पर टेस्ट करके इस इंजन की कारकर्दगी को जांच सके। थर्मल प्रेशर चैम्बर में जंगी तैयारे के इंजन को टेस्ट करने का मतलब ये है कि इंजन को बिल्कुल सही हालत में टेस्ट किया जा सके। जैसे जंगी तैयारा हकीकत में फिजा की बुलंदियों पर दुश्मन के लड़ाका तैयारों से नबुर्द आजमा हो। रूस की जानब से जारी करदा बयान में ये भी बताया गया कि रूस का ये नया इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में मजीद बेहतरी लाएगा। रूस की जानब से मजीद बताया गया कि खास तौर पर इंजन के थर्मोडायनामिक और मीटर्स इंजन में मौजूद पंखे और खसूसन गर्म हिस्सों के डिजाइन को पहले से बेहतर बनाया गया है, जबकि इंजन में अपग्रेड ऑटोमेटिक यानी के खुदकार पावर प्लांट को भी नष्ट किया गया है। इसके अलावा इंजन में एक अजाफी इमरजेंसी स्टाफ मोड भी मुहैया किया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी सूरत हाल में फ्यूल ड्रम के इम्कान को भी पहली मर्तबा महसूस किया गया। ये तमाम खसूसियात एक सिंगल इंजन फाइटर जेट में मौजूद होती है। यही वजह है की इस खबर के सामने आते ही भारतीय मीडिया की जानब से ये बताया जा रहा है की अब पाकिस्तान का शाहकार मुकम्मल तौर पर भारत के लिए मौत का सामान बन चुका है। अब पाकिस्तान का शाहकार JF-17 थंडर त्यारे पहले से भी ज्यादा तेज और हवा में भारत के उड़ते हुए ताबूतों को शहीन की तरह शिकार करेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर कुछ भारतीयों को इस बात का जवाब देता चलूं, जो कि पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को सिंगल इंजन त्यारा होने का ताना देते हैं। मोसेस दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक समझे जाने वाला फाइटर जेट अमेरिका का F-35 है, जो कि एक सिंगल इंजन पर मुश्तमिल फाइटर जेट है। तो मोसेस दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का शाहकार अब इस नए इंजन से कितना खतरनाक बनाया जा चुका है। नाज़रीन इकराम, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही।